तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ कि फाइनली मेरे आज 200 वीडियो कंप्लीट हो गए। और मैंने 200 वीडियो आज क्यों मिला के 200 वीडियो मेरे पूरे हो चुके हैं। और मैंने 200 वीडियो पर डे पर वीडियो डाली थी, डेली ब्लॉग। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरे चैनल का नाम है द डेली ब्लॉग्स। तो मैंने जब ये चैनल क्रिएट किया था तो मैंने सोचा था कि जैसे मेरा चैनल का नाम है द डेली ब्लॉग्स, वैसे ही मैं डेली इसके ऊपर वीडियो अपलोड करा करूँगा। और मैंने ऐसा ही किया, डेली मैंने इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड किया। और आज जाके 200 दिन पूरे होते हैं, 200 ब्लॉग पूरे होते हैं। और आपको बता दूं, इसके बीच में मेरे को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ, यूट्यूब ने मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया, अपलोड करते ही डिलीट कर दिया। पता नहीं क्या है, मतलब कुछ भी, जबकि मैंने उसकी गाइडलाइन भी फॉलो की, उसके बावजूद भी डिलीट किया। कोई नहीं, तब भी मैंने हार नहीं मानी, वीडियो डाली। मेरे बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तब भी मैं रेगुलर वीडियो डाला। और उसका नतीजा ये है कि आज फाइनली मेरे 200 वीडियो कंप्लीट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूबर जो कहता है ना, यूट्यूबर है भाई, यूं ही वीडियो बना के डाल देते हैं, ये हुए क्या होता है, कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं होता, कोई भी बना लेगा। तो मेरे मन में भी यही सवाल रहती थी यूट्यूब जर्नी शुरू करने से पहले, कि यूट्यूबर कुछ नहीं होते, सब बना के डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कुछ भी नहीं, यही फालतू की वीडियो होती हैं। तो पर मैं रियलिटी बताऊं, जब से मैं वीडियो बनाने स्टार्ट किया, मेरे को पता चला कि यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी मेहनत का काम है। एक्चुअली मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो 24 घंटे में 2 घंटे तो वीडियो बना के अपलोड करने में ही चले जाते हैं, 2 से ज़्यादा लग जाते हैं। और काफ़ी मेहनत भी लगती है और टाइम भी निकालना पड़ता है इसके लिए अलग से, तो काफ़ी मेहनत का काम है। पहले मैं सोचता था कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, कोई भी डाल सकता है, कोई भी बना सकता है, पर ये फैक्ट नहीं है, रियलिटी में काफ़ी मेहनत लगती है। कहते हैं ना, जब तक कोई काम को करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलता कि क्या है आसान है कि मुश्किल। लोग तो ऐसे ही जज कर लेते हैं, तो मैं भी ऐसे ही जज करता था कि यूट्यूब पर वीडियो डालना आसान है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपकी दुआओं की वजह से मैं 200 वीडियो कंप्लीट होगी, थोड़ी मेहनत लगी पर कंप्लीट होगी। आपको पता है डेली ब्लॉग को डालने की सोच के ही डर लगता है, कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो पर मैंने डेली ब्लॉग का सोचा और मैंने किया भी, तो थोड़ा बहुत मेहनत लगी, टाइम लगा, पर मैंने किया। और मेरे को इसके बीच में काफ़ी सारी परेशानी भी आई। कई बार ऐसा होता था, नेट की प्रॉब्लम होती थी, अपलोड करने में दिक्कत होती थी। एक्चुअली मेरे घर पे वाईफाई नहीं लगा है ना, तो नेट की प्रॉब्लम होती है। आपको पता है वीडियो 3-3 GB 4-4 GB तक पहुंच जाती है, कभी कभार बड़ी वीडियो होती है तो 6-7 GB पहुंच जाती है। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे को, और मेरे को अपने दोस्त के घर जाना पड़ता था। दोस्त का घर मेरे घर से कम 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, उसके बावजूद उसके घर जाके अपलोड करना पड़ता था। और ये डेली का रूटीन था, मैं डेली 1 किलोमीटर दूर जाता था अपलोड करने, उसके बाद वीडियो में ही अपलोड हो पाती थी। क्योंकि आपको तो पता ही है, बड़ी वीडियो हो जाती है तो नेट लगता है काफ़ी, तो इतना नेट एक्चुअली रिचार्ज होता नहीं है फ़ोन में इतना, और वाईफाई भी नहीं लगा, तो डेली मेरे को अपने दोस्त के घर अप एंड डाउन करना पड़ता था क्यों, वीडियो अपलोड करने के लिए। तो काफ़ी संघर्ष किया है ये 200 वीडियो के लिए मैंने, काफ़ी मेहनत थी मेरी इसके पीछे। बाकी आप सबका प्यार भी, जो मैं आज जाके 200 वीडियो कंप्लीट हो रही है। और आपको बताऊं तो मैंने 200 वीडियो तो बना लिए, पर मेरे सब्सक्राइबर केवल 385 मिले हैं 200 वीडियो में, और जिसमें से 4-5 मेरे जानने वाले ही होंगे। एक्चुअली मैं पता चला था, उन्हें तो सब्सक्राइब किया था, तो काफ़ी बात बुरा लग रहा है कि मतलब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी यूट्यूब पुश नहीं कर रहा, तो इस चीज़ का थोड़ी दिक्कत है, पुश नहीं कर रहा, जबकि मेहनत भी चल रही है, डेली वीडियो भी आ रही है, तो थोड़ा बुरा तो है, पर कोई नहीं, हार तो मानना नहीं है, हम तो करेंगे ही। और ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और गाइज, काफ़ी मेहनत के बावजूद भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और यूट्यूब पोस्ट नहीं कर रहा, तो ये काफ़ी बुरा लगता है। एक्चुअली क्या होता है, तुम मेहनत करते हो, अपना 100% देते हो
यूट्यूब की मैं बताऊं, अगर आप 100% देते हो और यूट्यूब आपको 10% भी पुश करता है ना, तो मेरे हिसाब से मेहनत धीरे धीरे रंग ला दीजिए। पर यार मेरे संग पूरा ही उल्टा है, मैं 100% दे रहा हूँ यूट्यूब में, कोई 1% भी पुश नहीं कर रहा। काफ़ी बुरी बात है ये, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी मेरी हेल्प करो, मेरी सब्सक्राइबर बढ़वाओ, क्योंकि मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ यार। एक बार आप छोटे यूट्यूबरों पे भी ध्यान दो। एक्चुअली क्या है, सब बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, पर छोटे यूट्यूबर हैं जो नए नए अभी स्टार्टिंग किए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। मेरा मानना यह है कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अगर छोटे यूट्यूबर कोई भी हैं तो उन्हें एक सब्सक्राइब कर ही सकते हो, क्योंकि बड़े तो खुद ही अभी फेमस हुए पड़े हैं, उन्हें इतनी नीड नहीं होएगी। पर जो अभी स्टार्टअप किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं, यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट किए हैं, उन्हें एक सब्सक्राइबर की भी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि गाइस सब्सक्राइबर नहीं मिल पाते, तो उसमें कई कई सारे मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक सब्सक्राइबर भी काफ़ी बहुत बड़ी बात है। तो मैं यह कहना कि मतलब यही है कि आप छोटे यूट्यूबर पे भी ध्यान दो, और मैं भी छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे पे भी ध्यान दीजिए गाइस। हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, ये यूट्यूब पे, और मैं इसमें अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करता हूँ, और भी काम की वीडियो भी बनाता रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटिव, और कई सारी मैं टैक्स से रिलेटिव भी वीडियो बना रखी है। आप जाके मेरे चैनल पे देखोगे, टैक्स से रिलेटिव भी वीडियो है। तो मैं रेगुलर मेहनत कर रहा हूँ, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी पुश कीजिए। मैं क्योंकि मेरे को भी आने वाले टाइम में इससे भी अच्छा करके दिखाना है, तो ये सब अच्छा तभी कर पाऊँगा जब आप मेरे को मेरी मदद करेंगे, मेरे साथ रहेंगे, साथ देंगे। तो मेरे को पता है अभी मैं परफेक्ट वीडियो नहीं डाल पा रहा, कुछ टाइम से तबीयत भी ख़राब चल रही थी, और अभी मैं परफेक्ट नहीं वीडियो डाल पा रहा, पर कोई नहीं, स्टार्टअप है, अभी स्टार्टिंग किया है। जैसे जैसे टाइम टाइम बीतता जाएगा, वैसे वैसे मेरे में इम्प्रूवमेंट आएगी, और मैं इससे भी अच्छी वीडियो डालने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, और इससे भी अच्छे कंटेंट डालूँगा। तो गाइज मेरा बस इतना ही कहना था कि सपोर्ट मी, बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।